फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की पत्तियाँ शाइन करें, चमकीली हों, स्वस्थ हों और उनका कलर भी बहुत ही सुंदर हो, तो आज मैं आपको एक इंस्टेंट स्प्रे बनाना बता रही हूँ, जिसका उपयोग करने से चाहे वो मनी प्लांट हो या रोज़ हो या किसी भी तरह का प्लांट हो, आपके प्लांट की पत्तियों में बहुत ही अच्छी चमक रहेगी। पत्तियों पर चमक लाने के साथ साथ ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत हेल्दी ग्रोथ देता है। ये देखिए, छोटे से पॉट में भी प्लांट कितने हेल्दी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, तो वह कोई सा भी प्लांट हो सकता है। इतनी गर्मियों में भी देखिए, ये छोटे से गुलाब की कलम में भी फ्लॉरिंग हो रही है। तो आप एलोवेरा प्लांट का ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अपने प्लांट में यूज़ करें, जिससे आपके प्लांट गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लॉरिंग करेंगे और बहुत स्वस्थ रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। और ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है और इंस्टेंट तरीके से बनने वाला स्प्रे है, जिसको कि मैं एलोवेरा से बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने एक लीफ ये एलोवेरा से काट के निकाल ली है और इस लीफ को लंबाई में इस तरह से हमें काट लेना है। लंबाई में काटने का मतलब ये है कि इसका जेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में मिल जाए। और मैं इसको कुछ पीस नहीं रही हूँ, किसी भी तरह से इसका पल्प या जेल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको पानी में डालूँगी। और पानी में डालने के बाद हम एक घंटे के तकरीबन इसको रख देंगे। तो मैं इसको पानी में डाल लेती हूँ, अच्छी तरह से धोकर हमने इस लीफ को, और मैंने पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद हम इसे एक घंटे रखेंगे। एक घंटे बाद इसका जो जेल है वो मैक्सिमम जेल इसमें मिल जाएगा और फिर हम प्लांट में इसको स्प्रे करेंगे। एक घंटे बाद फ्रेंड्स, मैं देखूँगी किस तरह से ये हमारा तैयार है स्प्रे। ये देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें अच्छी तरह से जेल मिल गया है, स्टिकी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा एलोवेरा का जो स्प्रे है, जो हम डालने वाले हैं, वो तैयार है। इसको हम छान लेते हैं। आप चाहें तो ये जेल भी और इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, मिक्स करने के बाद छानना भी पड़ता है। तो मैक्सिमम इसका जो जेल है वो इसमें पानी में आ गया है, आप देख पा रहे होंगे पानी काफ़ी स्टिकी हो गया है। मैंने ये हटा दिया है और इसमें मैं इतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने सादा पानी मिला लिया है और इसको अब हम स्प्रे पंप में भरेंगे और हमारे मनी प्लांट और जो भी रोज़ प्लांट हैं, सारे प्लांट्स की लीफ पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से कुछ प्लांट की सॉइल में भी जाएगा, जो कि फर्टिलाइज़र का बहुत ही अच्छा काम करता है। एलोवेरा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही हमारी पत्तियों को चमक भी देगा। तो चलिए, मैं स्प्रे पंप में इसे भर लेती हूँ। स्प्रे पंप में भरने से पहले आप इसको छान जरूर लें, जिससे कि आपको स्प्रे करने में दिक्कत ना हो और स्प्रे पंप से आप अपने मनी प्लांट की लीफ पर, साथ ही रोज़ प्लांट और दूसरे प्लांट की लीफ पर डाल सकते हैं।